ইস্টনি আইএসিএল ডাইরেক্টর টাস গ্রোভ তাই টাটা স্ট্রাইভ সিইও খুমুলুঙ্গ রেসিডেন্টাল হসপিটালিটি সেন্টার সেট আপ হাইকে ক্লাইনের বাকে এগ্রিং খা তাই বুবাগ্রা সব অমন নর্থ ইস্ট নি পুইলাং নাই যে ট্রাইবেল এরিয়া ও ইনস্টিটিউট সেটিং ক্লাইনের নাই তঙ্গানি টাটা গ্রোভ র তাই বসাব অম ইউথ রং নি বাকে বেলাইকে এনকারেজ ক্লাইনের হাইকে বুবাগ্রা সং দিল্লি ও থাঙ্গে ভারত নি হোম মিনিস্টার রক বাই কক সালাইমানি গবাং মা নর্থ ইস্ট নি দশটা সিক্স শিডিউল তংনাই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তাই টেরিটরি কাউন্সিল বুবাগ্রা সাবো 125 এমেন্ডমেন্ট বিল জাংনাই সেন্ট্রাল গোসিকা ওয়ান মান্থ নি বিশিং নাই ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার জাংনাই তাই তিনজন কমিটি সালামজাংনাই হিনি সাকা বুবাগ্রা হাকি টিপ্রাসা একর্ড নি কক বো সাকা বো অর অ জাগাও খরং নি কমিটি সালামজাক তঙ্গ হনাই বুবাগ্রা বাই টিপ্রা মঠানি চেয়ারম্যান বিজয় রাং খাও হাকি বর্তমান সাকা নরখনাই নাই দি সঙ্গে আপনাদের মিটিং ছিল দিল্লিতে মোটামুটি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে 125th amendment to the indian constitution सिक्स शेड्यूल एरिया पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑल द काउंसिल्स और हमारे अमित शाह के साथ मीटिंग हुआ और हमने उनको बताया है कि काउंसिल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पावर्स नीड टू कम अटोनमी नीड्स टू कम तो ये सब बात में हमारी चर्चा हुई अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि वो एक तीन मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच्ड है भी और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा निर्णय ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है ये सब 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है क्योंकि जब कानून पास होता है तो सबके लिए एक ही तरीके से कानून पास होता है नॉर्थ ईस्ट का 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑल द 10 काउंसिल्स इनिशिएट मैंने किया था विद प्रमोद गुरु और होम मिनिस्टर का सोच उन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अग्रीमेंट्स किसी के साथ भी हो बीजेपी की सरकार के साथ हो या कांग्रेस की सरकार के साथ हो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वो सब जो अग्रीमेंट्स हुआ है उसको वो ऑनर करेंगे उन्होंने ये बात भी सिर्फ हमें नहीं सबको कहा आपका दल में तीन चार डिमांड था उस डिमांड का विषय में क्या बातचीत हुआ मेरा और एक बात है वो टिप्रासा अकॉर्ड के लिए दो नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर लिया है विजय रामखोल और मैं और उसका जो बात है वो पैरेलली चल रहा है और आप आने वाले थोड़े दिन में उसका भी रिजल्ट देखेंगे लेकिन डायरेक्ट फंडिंग जो एडीसी में सिर्फ हमारा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट का था उसमें ये 50 फाइनेंस कमीशन के अंदर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ आया तो कमेटी कब तक होगा कमेटी जो बना हमारा कमेटी बन गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी भी बन गया है पोती प्रेस अकॉर्ड के लिए हमारे कमेटी में विजय रामखोल और मैं हूँ त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट से दो रिप्रेजेंटेटिव है और होम मिनिस्ट्री से दो रिप्रेजेंटेटिव बात शुरू हो गई कब तक खत्म होगा कुछ शायद लोग बुलाएंगे अगले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग जाएंगे वी आर गोइंग टू टॉक हम लोग अपने लोगों के लिए बात करेंगे कुछ बदलता नहीं है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे और हमारा काम है अपने लोगों को उनका अधिकार देना और वो हम और विजय रामपुर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे महाराज कुछ दिन पहले आपका जो टीका मोथा का जो प्रेसिडेंट है उन लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया जो आपका जो पार्टी का दो मिनिस्टर है अभी त्रिपुरा में उनके मिनिस्टर का बातचीत नहीं सुन रहा है स्टेट गो में इसके विषय कोई बातचीत हुआ क्या वो अभी इसमें मैं बात नहीं करूंगा ये आप देखिए मिक्स मत कीजिए मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ मिनिस्टर गवर्नमेंट में है वो बात आप मंत्री से पूछिए लेकिन मैं अभी इसमें कमेंट नहीं करना चाहूंगा मेरा काम है अपने गरीब त्रिपुरासा को हमारे राज्य को बंगालीज हो जो भी एडीसी मणिपुरी हो मुस्लिम्स हो उनको कुछ देना मेरा वो काम है वो मैं करूंगा और अच्छे तरीके से करूंगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने बहुत बार बात किया है हमारे जो ग्रुप्स है जो बांग्लादेश में है उनको भी एक अच्छा जिंदगी चाहिए उनका भी कुछ डिमांड है उनको भी लाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में उन्नति हो डेवलपमेंट हो और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हमारे गरीब त्रिपुरासा लोग गरीब बंगालीज लोग गरीब मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सबका उन्नति हो बस मैं वही करना चाहता हूँ